नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातक हैं, तो हो सकता है गुरु नक्षत्र परिवर्तन के अन्यत्र कार्यक्रम भी आपने देखे हों। किंतु ज्योतिष जरा हटकर कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गुरु किस प्रकार आपकी कुंडली में 23 जून से लेकर 27 नवंबर तक कार्य करने जा रहे हैं, और एक नहीं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 स्थानों का सर्वश्रेष्ठ लाभ आपको देंगे। और 23 जून से लेकर 27 नवंबर तक आपके मुख से बार बार एक ही बात निकलेगी कि गुरु जिसे तारे उसके 100% होकर रहते हैं वारे न्यारे। यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कर्म भाव के स्वामी होते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन, दैनिक रोजगार और पार्टनरशिप के स्वामी होते हैं, और जाकर कहाँ विराजित हुए हैं तो आपकी कुंडली के अंदर आय भाव में, आपकी डिजायर्स के स्थान पर। पिछले कार्यक्रमों में आपने देखा कि गुरुदेव यहाँ पर शुद्ध हो रहे हैं, अब ये अपने परम शत्रु केतु के नक्षत्र से निकलकर शुक्रदेव भरणी नक्षत्र में, शुक्रदेव के भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और भरणी नक्षत्र शुक्र देव का है, जो कि कौन है, आपके पंचमेश, आपके द्वादशेश और कुंडली के योग कारक ग्रह। एक योग कारक ग्रह का योग कारक ग्रह के नक्षत्र में प्रवेश होना, ये वैसे ही आपके लिए किसी राजयोग से कम नहीं। 23 जून से 27 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति शुद्धिकरण में आपके मनोरथों को पूर्ण करते हैं, कर्म क्षेत्र के माध्यम से आपको आय में वृद्धि करेंगे, आपकी डिजायर्स की स्थिति को वृद्धि कारक अवस्था बनाते हैं, डिजायर्स को पूर्ण करने की बाध्यता लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विदेश से संबंधित बड़े सुखद लाभ देने जा रहे हैं। कर्म से संबंधित कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना वाला होता है, उसे बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। विदेश में आप कार्य करना चाह रहे हैं, सेटलमेंट होना चाह रहे हैं, आपकी मनोकामना बनी हुई है कि मैं विदेश में जाकर सेटल हो जाऊं, इसमें देवगुरु बृहस्पति आपकी डिजायर्स को पूर्ण करेंगे। यहां से पंचम दृष्टि भाग्य अवस्था के आधार पर, जो आपके लिए मेहनत के अनुसार पिछले समय में नहीं योग निकल कर आ पा रहे थे, अब शुद्धिकरण में और अपने परम शत्रु के नक्षत्र से निकलकर मेहनत की स्थिति के 100% रिजल्ट आपको देने जा रहे हैं। व्यापारिक यात्राओं में आपको सफलता का योग बनाएंगे, और सबसे शुद्धिकरण जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति फल देने जा रहे हैं, वो है पंचम भाव का। शुक्र की राशि है तुला, शुक्र के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश हुआ है और शुद्धिकरण से आपके पंचम भाव का लाभ दे रहे हैं। आप लिख कर रख लीजिए, 23 जून से 27 नवंबर के मध्य आपको किसी भी प्रकार का एक बड़ा लाभ यहां पर जरूर होने जा रहा है, जो शायद आपने सपने में भी ना सोचा हो। विद्यार्थियों को यहां कंपटीशन में सफलता का योग दिलाने की 100% बाध्यता लेने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। अपनी बुद्धिमता और चातुर्यमता के दम पर श्रेष्ठ सफलता को आप प्राप्त करेंगे देवगुरु बृहस्पति और शुक्र महाराज की कृपा से। और नवम दृष्टि से जो देवगुरु बृहस्पति शुद्धिकरण में आपको लाभ देने जा रहे हैं, आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को बड़ा मधुर करेंगे। उन कन्या व बालक जिनके विवाह की उम्र हो चुकी है, विवाह नहीं हो रहा है, उनके घर में शहनाइयां बजवाते हुए पाए जाएंगे। पार्टनरशिप में कोई समस्या चल रही थी, उसे समाप्त कर देंगे। इसी के साथ में आप देखोगे तो दैनिक रोजगार, जो भी आपका डेली वेजेस अर्निंग सिस्टम बना हुआ है, उसमें एकदम से बूस्टअप लाते हुए पाए जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। यहाँ भरणी नक्षत्र में भरणी अर्थात भरना, और भरना काहे से तो धन से, इस प्रकार की स्थिति की अनुभूति 23 जून से 27 नवंबर तक आप लगातार करते हुए पाए जाएंगे। बस निवेदन एक ही है जो मैं हमेशा बताता हूँ, लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में, लग्न से 12वें घर में, और साथ में ही पराक्रम भाव में, क्योंकि मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का पराक्रम भाव में भी आना केंद्राधिपति दोष को निर्मित करता है। तो लग्न से 3रे घर में, लग्न से 6वें, 8वें और 12वें घर में यदि देवगुरु बृहस्पति नहीं है, तो आप लिख कर रख लीजिए, 23 जून से 27 नवंबर तक आपके मुंह से हर बार एक ही बात निकलेगी कि गुरु जिसे तारे उसके होकर रहते हैं वारे न्यारे।
इनकी स्थिति को और मजबूत करने के लिए ओम गुरुवे नमः का जाप कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। यदि देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में 6-8-12 में नहीं है, आप पुखराज पहनिए। गुरुवार के दिन सर्वाधिक मात्रा में पीली वस्तुओं का सेवन कीजिए, खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में। बस अगर यहाँ पर पराक्रम भाव 6-8-12 में बने हुए हैं तो आप पीली वस्तुओं का सेवन गुरुवार के दिन नहीं करेंगे। पुखराज आपको धारण नहीं करना है, आप सिर्फ जाप और पाठ से देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को प्रसन्न मुद्रा में बनाओ। निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति आपके वारे न्यारे कर ही रहेंगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।